अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलमा जूनी किचन में आपका खैर मकदम है। आज हम मेंदू वड़ा बनाएंगे, जो कि मैंने मेंदू वड़ा देखी रमज़ान के लिए स्पेशल बनाई हूँ। सबसे पहले मैंने क्या की हूँ, 250 ग्राम उड़द की दाल ली हूँ और इसको मैंने भिगा के रख दी हूँ। इसको 4-5 घंटा पहले भी भिगाएंगे तो दाल अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप क्या करिएगा, थोड़ा गुनगुना पानी करिएगा गैस पर एक पतीली में, और उसके बाद दाल को धो के डाल दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। देखिए थोड़ी देर में आपकी दाल अच्छी सी नरम हो जाएगी। ये एक टिप थी आपके लिए, अगर आपको जल्दी से बनाना है, अगर आप दाल सहरी में भिगाना भूल गए। तो मैंने क्या की हूँ, मिक्सर के जार में पहले क्या की हूँ, दाल को डाली, उसके बाद एक टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ली हूँ, 7-8 हरी मिर्ची ली हूँ और हिस्बे ज़ायका नमक दी हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। उसके बाद नाज़रीन मैंने थोड़ी सी कोथमीर भी इसमें डाल दी हूँ। मैं एक साथ सबको पीस लिया है, मैंने मिक्सी जार में सबको अच्छे से पीस लिया। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को ली कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सी हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दी। अब जो हमने 1 इंच की जो अदरक लिए थे उसको मैंने अच्छे से क्रश करके डाल दी, और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक चुटकी सोडा डालेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो मेंदू वड़ा रहेंगे बन के बहुत क्रिस्पी रहेंगे और खाने में बहुत मज़ेदार रहेंगे। अब हमको मेंदू वड़ा बनाना है, इसलिए मैंने हथेली पे थोड़ा सी पानी लगा लियो ताकि मेंदू वड़े का बैटर हमारे हाथ पे चिटके नहीं, और हाथ की मदद से इसको गोल करके। अब मैंने तेल पहले से गर्म के लिए रख दी थी, देखिए तेल गर्म है, अब मैंने इसको डाल दी थी। अब दूसरा मेंदू वड़ा भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी और हाथों की मदद से डाल दूंगी। अगर नाज़रीन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए नाज़रीन 2-3 मिनट में हमारे मेंदू वड़े तकरीबन गोल्डन हो गए हैं। हम इसको अलट पलट करेंगे ताकि दूसरे सिरे भी हो जाए। अब नाज़रीन मेरा मेंदू वड़े का बैटर इसलिए ग्रीन दिख रहा है क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें एक साथ पीस ली। आप चाहे तो हरी मिर्ची को कट करके डाल सकते हैं और कोथमीर को भी कट करके डाल सकते हैं, ये इसलिए हरे दिख रहे हैं। देखिए अब दूसरे मेंदू वड़े को भी मैंने उसी डाल दी हूँ, हाथों की मदद से बना के डाल दी हूँ। ये भी तकरीबन हो चुके हैं हमारे अच्छे से गोल्डन, जो कि खाने में बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत लजीज होते हैं ये खाने में। आप भी इंशाल्लाह रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। ये मेंदू वड़े बहुत जल्दी बन के झटपट तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत लजीज और क्रिस्पी होते हैं। नाज़रीन इसी तरह आप रमज़ान में मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।